एक व्यक्ति को संसार के बारे में जानने की थोड़ी उत्सुकता हुई। वह व्यक्ति चार बूढ़े बैठे थे वहाँ पर गए और उन्होंने सोचा ये बूढ़े पके हुए लोग हैं, इन लोगों को संसार के बारे में ज़्यादा पता होगा, इनसे अच्छा भला कौन बता सकते हैं। तो एक बूढ़े से पूछे, अच्छा ये बताओ ये संसार कैसा है? तो उन्होंने कहा यह संसार पूरा मक्कार है, यहाँ किसके बारे में क्या कहा जाए, ये संसार रहने लायक नहीं है। दूसरा बूढ़ा ने कहा ये संसार में किसी से विश्वास करने लायक ही नहीं है, कोई विश्वास के पात्र नहीं है। तीसरा बूढ़े ने कहा इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, कोई साथ नहीं देंगे। चौथे बूढ़े ने कहा इस संसार में जीना अब मुश्किल हो चुका है, संसार ऐसा हो चुका है। ये चारों की बात सुनने के बाद में उस व्यक्ति ने कहा यदि संसार से आपको इतना घृणा हो चुकी है तो आप संसार से क्यों न संन्यास धारण कर लेते हैं, क्यों विरक्त मार्ग पर क्यों नहीं चल पड़ते हैं, संन्यास में क्यों प्रवृत्त नहीं होते हैं। इतनी ही बात उस व्यक्ति ने कहा कि चारों बूढ़े वहां से नदारत हो गए। आदमी सत्य को जान तो जाता है लेकिन बाहरी रूप से जानता है। संसार में कुछ भी सुख नहीं है वो जान गया, संसार में सब मक्कार है जान गए, सब धोखाधड़ी है जान गए, किसी पर विश्वास करने लायक नहीं है जान गए, जीना मुश्किल है जान गए। लेकिन जब संन्यास धारण की बात आती है तो वहां से नदारत हो जाते हैं। आदमी बाहरी चमक दमक में जीवन यूं ही बिता देता है, आदमी बाहरी रूप से इतना रिझा और खिझा रहता है कि अंतर मन की बातें पता नहीं चलता है, धर्म की बातें पता नहीं चलता है, अध्यात्म की बातें उड़ी उड़ी निकल जाती है कान से, कान के अंदर प्रवेश ही नहीं करती है। आदमी थोड़े थोड़े में उलझता है, थोड़े थोड़े में आदमी व्याकुल हो जाता है, रौद्र रूप धारण हो जाता है। ये आदमी की कमजोरी है, रौद्र ध्यान इसी को कहते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से आदमी को बचना चाहिए। आर्त और रौद्र वही है जो छोटी छोटी बातों में मन में खलबलाहट मच जाना। किसी ने सुना कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति का तबीयत खराब है, मेरे भाई ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, आदमी के मन में खलबलाहट उड़ जाती है। मेरा इतना नुकसान हो गया, मन बेचैन हो जाता है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मन बेचैन हो जाता है। ये आर्त ध्यान है और यही रौद्र ध्यान है। ये आर्त और रौद्र ध्यान से आदमी को बचना चाहिए। ध्यान वो भी है लेकिन कौन सा ध्यान है, ये बाहरी प्रपंच का ध्यान है, ये धर्म ध्यान नहीं है। आदमी का मुख्य केंद्र है धर्म ध्यान, अंतर मन। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आदमी के अंदर उपाधापी का काम करता है। एक हलचल सी मच जाती है, एक बाउंडर छा जाता है, पूरा खलबलाहट मच जाती है, आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है।
और जब इस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठते हैं तो मैं कई बार कहा हूं कि फिर अच्छे भी काम नहीं आते हैं। जब मन अच्छा रहता है, मन में अच्छे विचार उड़ते हैं, मन में धर्म ध्यान की बातें होती है, धर्म चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है, मन उस पर लगा रहता है, तब तक मन सही है, तब तक साथी काम आते हैं, गुरु काम आते हैं, संत काम आते हैं, परिवार काम आते हैं, बाइबिल कुरान जिंदावेस्ता रामायण महाभारत बीजक सारे काम आएंगे। मन अच्छा है तब तक, जब मन में हलचल मच जाती है, खलबलाहट अंदर तरंग ऊपर तरंग उठता जाता है विचारों का, तो ये सारे चीज काम नहीं आते हैं। फिर मिठाई भी प्रिय नहीं है, हमारे अच्छे से अच्छे प्रिय चीज भी बेकार लगना शुरू हो जाते हैं। जो 24 घंटा इत्र लेकर के जीते हैं उस व्यक्ति को इत्र भी पसंद नहीं आता है, जब मन में खलबलाहट मचती है। तो यही आर्त ध्यान है। धर्म ध्यान, धर्म शब्द मात्र से आदमी को समझ में आ जाता है कि धर्म क्या है, और धर्म की परिभाषा संत ही जान सकते हैं। संत का मतलब ये नहीं कि कपड़ा पहना हो वही संत। गुरुदेव जी ने संत क्या है पुस्तक लिखे तो एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, एक लाइन में, संत वह जो दुखी नहीं होता। गुरुदेव जी ने ये नहीं कहा कि सफेद कपड़ा पहनते हैं वो संत है, सन्यासी कलर पहनते हैं वो संत है, काला वस्त्र धारण करते हैं वो संत है, कोई परिभाषा नहीं। जो दुखी नहीं होता वह संत है। और धर्म की परिभाषा संत ही समझ सकते हैं, विद्वान नहीं समझ सकते। विद्वान तो हिंदू बौद्ध जैन मुस्लिम इस संप्रदाय को ही धर्म मान लेते हैं। जो वास्तव में संत है, जो अध्यात्म को समझते हैं, जो जीवन को समझते हैं, वो धर्म को धारण करते हैं। धर्म शब्द धारण, धर्म का मतलब ही होता है धारण करना। धारण ही धर्म की परिभाषा है, और धारण किसे किया जाता है? अच्छाई को। धर्म सिखलाता है, जीवन की परिभाषा बताता है। धर्म यही सिखाता है क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी शरण में नहीं जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये धर्म सिखाता है। मंदिर में पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, इतना ही धर्म की परिभाषा नहीं है। ध्यान करना इतना ही धर्म की परिभाषा नहीं है। धर्म में पूरा सब कुछ आ जाता है। धर्म ध्यान, संसार परिवर्तनशील है, स्थित रहने वाला नहीं है, हमेशा स्थायी रहने वाला नहीं है, ये धर्म सिखलाता है। धर्म ध्यान का मतलब ही होता है कि धर्म के आंगों पांगों को समझे। धर्म ध्यान में यही बताया जाता है। विपस्सना, यही विपस्सना में भी यही बताया। विपस्सना का मतलब होता है अच्छे ढंग से देखना। अनुप्रज्ञा इसमें भी आता है। विपस्सना स्थायी रूप से लंबे समय तक उसे देखते रहना निरंतर, यही विपस्सना है। विपस्सना में चार बातें बताई जाती है। पहले शरीर को देखो, शरीर कैसा है, सड़ता है, गलता है, सिर से लेकर के उंगली तक के देखो, शरीर के साथ कौन सी क्रिया हो रही है। विपस्सना में ये चीज बताया जाता है। एक संत ने लिखा है कि जब हम किसी की
मिट्टी में जाते हैं और यदि वहाँ चीता को जलाई जा रही है तो वहाँ चीता को आग लगा करके नहीं आ जाना चाहिए, वहाँ 2 घंटे खड़े होकर के देखना चाहिए। जैसे उनकी चीता जल करके एक दिन राख हो जाती है, कुछ ही घंटों में एक मुट्ठी राख हो जाती है, वैसा ही शरीर हमारा हो जाएगा। देखते रहना चाहिए उनके साथ क्या क्रिया होती है। सिर्फ उसका शरीर नहीं जल रहा है, जैसे हर चीता जलती है वैसे हमारा शरीर रोज जलता है। पर भी मन में इस शरीर के लिए इतना अहंता ममता, इतना राग, इतना द्वेष, इतना प्रपंच। एक राजा, उनके पास बहुत अच्छा सांड था, उनको इतना गर्व होता था अपने आप में, मेरे पास जैसा सांड है इस क्षेत्र में किसी के पास ऐसा सांड नहीं है। देखने में एक तगड़ा हिष्ट पुष्ट बलशाली, देखने पर ही एकदम अच्छा लगता था। बहुत उनके अपने आप पर अभिमान था कि मेरे पास ऐसा एक सांड है। एक दिन जा करके देखता है गौशाला में, पूछते हैं मेरा सांड कहाँ गया, तो वहां गौशाला में रहने वाले कहते हैं आपका सांड यही है। तो कहते हैं ये तो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा है, अचल हो गया है, शरीर की हड्डियां दिख रही है। वो तो बलशाली था, बहुत पावरफुल था अपने आप में, वो देखने पर भी विलक्षण लगता था। तब गौशाला में रहने वाले ने कहा राजन, इस शरीर की अवस्था है, ये शरीर एक दिन बलशाली रहता है, एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि अपने ही पैरों और अपने ही हाथों को नहीं हिला पाता है, दूसरे के हिलाने पर वह हिलता है, सांस अंदर नहीं जाती है, भोजन की बात ही तो दूर। राजन, राजा कहते हैं क्या ऐसा मेरा भी शरीर होगा। गौशाला में रहने वाला कहते हैं राजन, ये तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाता है, जो आज बलशाली है गौरवशाली है एक दिन छिन्न भिन्न हो जाता है, एक दिन अथक हो जाता है, निश्चित ही एक दिन जाना होगा। उस राजा को यह क्रिया देख करके मन में हलचल सा मच जाता है और संन्यास धारण कर लेता है। ये धर्म ध्यान है। आदमी जब धर्म की परिभाषा समझता है तो जीवन बदल जाता है। आदमी जब धर्म को समझता है तो जीवन के तरीके बदल जाते हैं, जीने के तरीके बदल जाते हैं। न उनके पास राग होता है, न द्वेष होता है। आज यदि हमको किसी के प्रति अहंता है, ममता है, राग है, तो निश्चित ही एक दिन किसी के प्रति द्वेष होगा। यदि आज हम किसी से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, द्वेष का भाव बनता है, तो निश्चित ही एक दिन हमारे अंदर राग का भाव था, इसलिए द्वेष का भाव जगा है। ये प्रकृति का नियम है। यदि राग है तो द्वेष होगा, लाभ है तो हानि होगी, आया है तो जाएगा, मिलना है तो बिछोड़ना है। सम बने रहना इस संत का काम है। जो घटनाओं के साथ अपने को परिवर्तित होने नहीं देता है, संसार नित्य परिवर्तन हो रहा है लेकिन अपने को, अपने मन की स्थिति को स्थिर बनाए रखता है, ये संत ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते हैं। जिसे आज सम्मान किया जाता है उसे एक दिन अपमानित भी होना पड़ता है। एक जगह धर्म ध्वजा फहराया जा रहा था, धर्म ध्वजा में बड़े बड़े लोग, ना जाने कितने लोग, बड़े बड़े लोग धर्म ध्वजा के सामने नतमस्तक थे, सब धर्म ध्वजा की ओर देख रहे थे, आंख उठा करके, सिर उठा करके देख रहे थे। बड़ी भीड़ थी, हजारों की भीड़ लगी हुई थी वहां पर। अगर लोग करीब से जा करके देखना चाहे तो नहीं देख सकते थे, इतनी भीड़ थी वहां, नजदीक नहीं जा सकते थे, हजारों की भीड़ थी, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं और धर्म ध्वजा का दर्शन करने के लिए लोग लगे हुए हैं।
एक दिन देखते हैं, चार दिन बाद वहां जा करके वो धर्म ध्वजा मिट्टी में गिरा हुआ है, कीचड़ से लथपथ है, पानी गिर रहा है और वह धर्म ध्वजा पानी में सड़ रहा है। व्यक्ति देखते हैं जिसे हजारों हजारों लोग सम्मान के साथ देखते थे, सम्मानित करते थे, आज मिट्टी में मिल गए, मिट्टी के बराबर हो गए। शायद ऐसे ही हमारे साथ होगा, व्यक्ति को वितराग हो जाता है। यही धर्म ध्यान है। धर्म पूरा जीवन की परिभाषा बताता है। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में जानकारी हो जाती है, उस व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। हम थोड़े थोड़े में उछलते हैं, थोड़े थोड़े में पचकते हैं। अधजल गजरा छलकत जाए कहावत है। अगर घड़ा में आधा जल भर के ले चलते हैं आप सिर पर उठा करके, तो वह पानी छलकते छलकते जाएगा, लेकिन यदि पूरा पानी भर लेते हैं तो सम बना रहता है, उसका लेवल बना रहता है, तो छलकता नहीं है, पानी गिरता नहीं है। जो अधूरे लोग होते हैं, अधकचरे लोग होते हैं, वो थोड़े थोड़े में विचलित होते हैं, लेकिन जो पूरे हो जाते हैं विचलित नहीं होते हैं। लोग उनको गालियां भी देते हैं, लोग उनको सम्मान भी करते हैं, लोग उनकी पूजा भी करते हैं, लोग उनके अनादर भी करते हैं, सब में एक बराबर रहते हैं, उसे संत कहते हैं। संत की परिभाषा ये है। जीवन ही बदल जाता है उनका। जब धर्म को समझ जाते हैं तो जीवन का सब कुछ बदल जाता है उनका, जीने का अंदाज बदल जाता है, आवाजें मीठी हो जाती है, अकड़न नहीं होती है आवाज में, कुछ करने के बाद में अपनापन नहीं होता है, कभी मन में नहीं होता है मैंने ये किया मैंने ये किया, हमारे मन में कैसे उछाल उठता है, थोड़ा करते हैं ना जाने क्या क्या बोल पड़ते हैं हम, ये हमारे मन की गति है। विडंबना बड़ी अजीब है संसार की। संसार में जीना बहुत ही सावधानी की और बहुत ही सतर्कता की जरूरत है। यदि सावधानी नहीं है तो कपड़ा साथ नहीं देता है, समाज साथ नहीं देते हैं, परिवार साथ नहीं देते हैं, सिर्फ हम अकेले हो जाते हैं। मन अच्छा है तो सब साथ देते हैं। एक उदाहरण बताऊं, एक राजा एक संत को देखे और संत को देख करके करीब में गए, उसके उस उनका प्रणाम किए सम्मान के साथ। संत जी आपसे मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? राजा पूछते हैं, कहते हैं हाँ पूछिए। संत कहते हैं आप इतने छोटे उम्र में संन्यास धारण क्यों ले लिए? राजा कहते हैं इतने छोटे उम्र में क्यों संन्यास धारण कर लिए? क्या आपका कोई नहीं था? क्या आपका परिवार नहीं था? क्या आपके भाई बंधु नहीं थे? क्या आपके माता पिता नहीं थे आपको नहीं रोके? संत कहते हैं मेरा कोई नहीं था, मैं एकदम अनाथ था, एकदम अकेला था, मेरा कोई नहीं था। इतना में राजा कहता है मैं आपका सनाथ हूं, आप मेरे साथ हो जाओ, मैं आपका सब कुछ देखभाल करूंगा। संत कहते हैं आप खुद अनाथ है तो मेरे क्या सनाथ बनेंगे? राजा कहते हैं संत जी आप किनसे बात कर रहे हो? आप सोच करके बात करो, मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, मेरे अंडर में ना जाने कितने नौकर चाकर है, मेरे पास ना जाने कितने खजाने हैं, कितने महल हैं, कितने नौकर नौकरानी हैं, आप किनसे बात कर रहे हैं? मैं अनाथ हूं, ना जाने मेरे संरक्षण में कितने लोग हैं। संत कहते हैं हाँ आप अनाथ हैं,
जैसे आप कहते थे वैसे मैं भी एक दिन कहता था, मैं भी राजा का पुत्र था, मेरी भी पत्नी थी, मेरे भी परिवार थे, मेरे भी माँ बाप थे, मेरे भी पड़ोसी थे, नौकर चाकर थे, मैं भी इसी अहंकार में ग्रस्ता था। जैसे आज आप गलती कर रहे हैं वैसे मैं भी गलती करता था, लेकिन राजन, हे राजन, मेरे शरीर में एक पीड़ा हुई। वैद्यराज के पास जाने के बाद वैद्यराज ने कहा, जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, अल्लाह इलाज है। इनका सुबह होते होते शरीर नहीं रहेगा। राजन, जब ये बात मैंने सुनी मेरे अंदर हलचल सा मच गया, लेकिन मैंने उसी समय प्रभु का ध्यान किया, प्रभु का स्मरण किया और मैंने समझा, मैं अभी तक तो संसार को समझा था, मुझे ध्यान को समझना है, धर्म को समझना है, जीवन को समझना है। हे प्रभु, यदि मेरा जीवन सुबह होते होते बच जाता है तो मैं संन्यास धारण कर लेता हूँ, संन्यास धारण कर लूंगा, मैं प्रण करता हूँ। और सुबह देखते देखते सुबह सूर्य निकल गया, मेरा शरीर बच गया और मैंने संन्यास धारण कर लिया। क्योंकि राजन, जिस समय मेरे शरीर में पीड़ा हो रही थी वह पीड़ा का उपचार तो था, लेकिन उस पीड़ा को बांटने वाले कोई नहीं थे, वहां सिर्फ मैं एकदम अकेला था। राजन, जैसे आज आप गलती कर रहे हो, मेरे सब अपने कह रहे हो, वैसे मैंने भी किया, लेकिन जब मेरे शरीर में पीड़ाएं हो रही थी, दर्द हो रही थी, मेरे मन में वेदनाएं उठ रही थी, उस मन की वेदनाओं को बांटने वाले कोई नहीं थे, मेरे शरीर की पीड़ा को बांटने वाले कोई नहीं थे, वहां मैं एकदम अकेला था। वहां कोई साथ नहीं देते हैं, वहां सिर्फ अकेले होते हैं, इसलिए सबके सब अनाथ है राजन, कोई सनाथ नहीं है। और राजा की आंख खुलती है, सच में कोई सनाथ नहीं है, लेकिन जीवन जब तक है तब तक अपना व्यवहार के लिए मानना पड़ता है। लेकिन धर्म और अध्यात्म में अपना कोई नहीं होता है, जिसे हम अपना समझते हैं कोई साथ नहीं देते हैं। जब व्यवहार में ही कुछ होता है तो परिवार के भाई साथ नहीं देते हैं, पत्नी साथ नहीं देते हैं, बच्चे साथ नहीं देते हैं, गुरु भाई साथ नहीं देते हैं, व्यवहार में साथ नहीं निभा पाते हैं। तो क्या हमारे जब इस दुनिया से जाना होगा, जब मन में पीड़ाएं उठेगी, मन में हलचल होगी, शरीर में वेदनाएं होगी, तब कौन साथ देंगे? वहां तो और एकदम अकेला है। इसलिए हमको अभी से अकेले होना चाहिए, अभी से हमको विश्वास होना चाहिए कि मैं कितना भी अच्छा रहूं, एक दिन सबके सब मुझे नकार देंगे, निश्चित है। सबके सब कहेंगे दुनिया से कब विदा हो, तो इनको भी छुट्टी मिले, हमको भी छुट्टी मिले। कितना भी अच्छा रहूं, कितना भी प्रिय हो जाऊं दुनिया के लिए, पर भी दुनिया वाले चाहेंगे कि ये कब इस दुनिया से चले जाए। इसलिए हमको अभी से अकेले होने का अभ्यास करना चाहिए, कभी हमको अकेले चलना चाहिए, साहस रखना चाहिए। धर्म यही सिखलाता है, धर्म ध्यान यही कहता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जीवन में हलचल मचा देती है, एक रौद्र रूप धारण कर लेता है मन में, उस चीज से बचे और धर्म ध्यान को समझे। धर्म ध्यान यदि समझ में आ जाता है तो जीवन बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है। बस इतना ही कह कर के अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।